गुड मॉर्निंग। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ CPU स्केड्यूलिंग। स्केड्यूल क्या होता है कि असी अपनी पूरी रूटीन बना लेंगे कि केड़ा काम असी कदों करना है। सिमिलरली CPU दे विच जो प्रोसैसिंग होंगे है तो वह भी एक किसी न किसी स्केड्यूल के थ्रू होंगे कि केड़ी प्रोसैस ने कदों चलना है। सो जस्ट स्केड्यूल की डेफिनेशन देख लो। स्केड्यूलिंग रेफर्स टू सैट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज़म बिल्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम that governs the order in which the work to be done by a computer system is completed. Scheduling refers to the order. Scheduling refers to the order in which work to be done by a computer system. ठीक है, इनू scheduling कहते हैं। उस वजह से scheduler जो CPU के scheduler लगे वह काम है। A scheduler is an operating system module. एक मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट सिलेक्ट द नेक्स्ट जॉब और प्रोसैस टू बी एडमिटेड इन टू द सिस्टम। स्केड्यूलर मॉड्यूल है जिहड़ा कि सिलेक्ट करता है कि केड़ी जॉब अगली परफॉर्म करनी है या फिर और प्रोसैस टू बी एडमिटेड या फिर उन्हों एडमिट करना है, जिवें आप एडमिशन करते हैं। ठीक है, केड़ी प्रोसैस अगली एडमिट करनी है सिस्टम दे विच। ओके, इट इज़ अ मॉड्यूल विच सिलेक्ट नैक्सट जॉब और वी कैन से इट इज़ अ मॉड्यूल विच सिलेक्ट विच प्रोसैस टू बी एडमिटेड इन टू द सिस्टम। केड़ी प्रोसैस नू सिस्टम दे विच एडमिट करना है, केड़ी अगली प्रोसैस नू, एक तो चल रही है केड़ी अगली आएगी, केड़ी उस तो बाद आएगी। हेयर इज ऑल्सो सम डेफिनेशन लाइक स्केड्यूलिंग रेफर टू सैट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म सपोर्टेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच वर्क टू बी डन और इज कंप्लीटड। ए भी ह्यूमन बींग्स ने लिखी है बुक, ए भी ह्यूमन बींग ने लिखी है। सो यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, सो तो जी डेफिनेशन सही लगती है तो उस तरीके लिख सकते हो। इट्स नॉट नैसेसरी कि तुम यही चीज़ लिखनी है। स्केड्यूलिंग रेफर्स टू द सैट ऑफ पॉलिसीज, यू कैन से स्केड्यूलिंग रेफर्स टू द सैट ऑफ पॉलिसीज governed by operating system or supported by operating system that controls which job is to be done next yeah which is the next job to be need to complete. जिस तरह मर्जी बना लियो scheduling की definition। The CPU scheduler select a process from among the ready processes to execute. CPU scheduler क्या करता है, जिहड़ियां रेडी स्टेट दे विच प्रोसेसेस पईयां हुंदियां है उहदे चों कोई प्रोसेस सिलेक्ट करदा है जिहड़ी उहने एग्जीक्यूट करानी है। CPU स्केड्यूलिंग इज़ द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्रामड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। ओके, सो जदों ये चीज़ चलती है तो उदों दो चीज़ां विच आउंदियां है, CPU एंड IO बर्स्ट साइकल। CPU बर्स्ट क्या चीज़ है एंड IO बर्स्ट क्या है। Almost all processes alternatively between two states. जिन्हें भी कोई processes है वो दो state दे विच round round चलदिया रहंदी हैं। पहला उहदा CPU burst आंदा है, फिर उहदा IO burst आंदा है। CPU burst of performing calculations and IO burst input output means waiting for the data transfer. जदों IO आंदा है input, O आंदा है तो output, क्योंकि जदों input आंदी है means उहने कुछ ना कुछ लेना है data, output जो कैलकुलेशन होगी प्रोसैस चलगी तो उन्हें कुछ ना कुछ देना है। सो वो वेट करता है इनपुट के लिए भी, तो जो रेडी हो जाते प्रोसैस चल जाती है दैन ही CPU ऑलसो वेट फॉर द आउटपुट सो दैट कि कोई मैमरी कोई डिवाइस कोई फ्री हो अपना डाटा जरा ट्रांसफर करे। सो CPU नीड टू बी वेट फॉर द इनपुट एंड फॉर द आउटपुट। सो अ प्रोसैस रिवॉल्व अराउंड दीज टू प्रोसैस IO बर्स्ट CPU बर्स्ट एंड IO बर्स्ट। Here also you can see processes alternate between these two states. Alternate means revolve around these two states. Process execution start with CPU burst. किसी भी process की execution start होती है with the CPU burst and this is followed by an IO burst. Once the process is started, CPU waits for input. After the completion, CPU wait for output. ठीक है, so it alternatively revolves around CPU burst and IO burst. Then another CPU burst, then another IO burst, then another CPU burst, then another IO burst. Finally, जो तो प्रोसैस एंड होने वाली होंगी है दैन
द लास्ट CPU burst will end with the system request to terminate the execution rather than with the another IO burst. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CPU ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸਟੋਪ ਦਾ. ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੇਅਰ CPU ਬਸਟ ਆਇਆ, IO ਆਇਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ CPU, ਦੈਨ ਅਗੇਨ IO. ਅਤੇ ਹੁਣ CPU ਬਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੰਪਿਊਟ, ਕੰਪਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਦੈਨ ਕੁਛ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਮੇ ਬੀ ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਟਡ, ਸਮਥਿੰਗ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਾਈਲ, ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਲ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਦੈਨ IO burst, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਵੇਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ. ਦੈਨ ਅਗੇਨ CPU burst, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣੇ. ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੰਪਿਊਟ ਲੋਡ ਸਟੋਰ ਐਡ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਡਿਲੀਟ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲ. ਸੋ ਇਟ ਨੋਟ ਨਸੈਸਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ CPU ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਟੋਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਈਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਟੋਰ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਵੇਟ ਫੋਰ IO ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ IO burst. ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ CPU ਐਂਡ IO burst. ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ CPU ਸਕੈਡਿਊਲਰ. ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਿਟੀਰੀਆ. CPU ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਪਈਆਂ ਹੈ ਰੈਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਾਵਾਂ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਗੇਨ ਰੀਡ, ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਰੈਕਟ. ਅ ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਅ ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਿਊਲ ਆਫ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਿਊ. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਡੀ ਸਟੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ. ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ. CPU ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਔਰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਸਕੈਡਿਊਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਗਜੀਕਿਊਟਡ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ. ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ ਹੈ CPU ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਅ ਮੇਜਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਮੰਗ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਔਰ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਹੈ. ਅ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਇਫ ਵੰਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ CPU, CPU ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਵੇ. ਸੋ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ. ਉਹ ਸਕੈਡਿਊਲ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਅ ਆਰਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ, ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 9 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰਿਮਟਿਵ ਸਕੈਡਿਊਲਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ CPU ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੋ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ओके टीवी दी एग्जांपल दिती थी मैं कि एक को टाइम पे साडे प्रोग्राम चल रहे हैं ते 5 मिनट दे लई मैं स्टार्ट प्लस लगा लिया ते विच ही मैं दूसरा चैनल भी लगा लिया ऐसा नहीं होएगा सो स्केड्यूलिंग डिसिप्लिन क्या है इज नॉन प्रिम्प्टिव इफ वंस अ प्रोसेस हैज़ बीन गिवन टू द सीपीयू एक बार जब प्रोसेस सीपीयू ने गिवन करती द सीपीयू कैन नॉट बी टेकन अवे सीपीयू उस तो वापस नहीं लिया जा सकता कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस स्केड्यूलिंग डिसिप्लिन इज प्रिम्प्टिव ओ वाला स्केड्यूलिंग डिसिप्लिन ओ वाला ऑर्डर है जो प्रिम्प्टिव होएगा इफ द सीपीयू कैन बी टेकन अवे अगर असी सीपीयू नू वापस ले सकते हैं चाहे वह प्रोसैस चल रही होवे इन बिटवीन ओके प्रिम्प्टिव स्केड्यूलिंग है जी बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी है इन हाई प्रायोरिटी प्रोसैस विच रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पोंस शेड्यूलिंग डिफरेंसेस देखो प्रिम्प्टिव है इफ द सीपीयू कैन बी टेकन अवे सो प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग कितने यूज़ होंगी है प्रिम्प्टिव कितने यूज़ होंगी है जिथे विच रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पोंस कई बार क्या होंगे हूँ अगर नॉन प्रिम्प्टिव है और आप प्रोसैस में रोक नहीं सकते है ना बट जी प्रिम्प्टिव है वह असी सीपीयू तो प्रोसैस लै सकते हैं ओके सो वेयर आई वॉज प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव प्रिम्प्टिव जिदे विच सीपीयू कैन बी टेकन अवे एंड नॉन प्रिम्प्टिव जिदे विच सीपीयू कैन नॉट बी टेकन अवे सो प्रिम्प्टिव कितने ज़्यादा कम आती है जितने हाई प्रायोरिटी प्रोसैसेज आती हैं कि सपोज करो कोई प्रोसैस चल रही है हूँ अगर नॉन प्रिम्प्टिव उस तो वो चलते चलते एक इदा की प्रोसैस आ गई जी उस तो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो अगर प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग होएगी तो असी सीपीयू लै सकते हैं प्रोसैस तो तो वो जी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसैस है उन्होंने एग्जीक्यूट करा सकते हैं बट अगर नॉन प्रिम्प्टिव होएगी नॉन प्रिम्प्टिव कैन नॉट बी टेकन अवे तो असी प्रोसैस सीपीयू नहीं वापस ले सकते सो प्रिम्प्टिव इज़ यूजफुल वैन हाई प्रायोरिटी प्रोसैस फॉर हाई प्रोसैसिटी रेसिव विच रिक्वायर इमीडिएट रिस्पोंस उस टाइम रिस्पोंस करना जरूरी होंगे तो एक क्या थोड़ा डिस्पैचर क्या होंगे डिस्पैच करना कुछ भी डिस्पैचर इज़ अ मंड्यूल दैट गिवज कंट्रोल ऑफ द सी पी यू टू द प्रोसैस सिलेक्टेड बाय द सी पी यू शेड्यूलर हूँ अपना सी पी यू ने जी भी प्रोसैस सिलेक्ट की है सी पी यू ने सिलेक्ट किया है कि प्रोसैस P3 एग्जीक्यूट करानी है P1 P2 P3 P3 एग्जीक्यूट करवानी है तो डिस्पैचर क्या करता है गिव कंट्रोल ऑफ द सी पी यू टू दैट प्रोसैस ठीक है प्रोसैस P3 नू वो कंट्रोल दे देगा विच सिलेक्टेड बाय द सी पी यू शेड्यूलर सो ये फंक्शन केड़े-केड़े है स्विचिंग कंटेक्स्ट स्विच करना एक तो दूजी प्रोसैस में P3 अपनी प्रोसैस कर ली उस तो बाद P1 प्रोसैस होना है उन्होंने स्विच करके CPU देना है सो फिर किसी और देना है तो स्विचिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग टू यूजर मोड जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन टू न्यूली लोडेड प्रोग्राम उस तो बाद इंपॉर्टेंट कंसैप्ट शेड्यूलिंग एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया किस बेस से असी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं CPU यूटिलाइजेशन CPU क्या है अगर तो फुल डे फुल टाइम वर्क करता है वो दैट मीनस वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है ठीक है उसकी पूरी एनर्जी जी यूटिलाइज हो रही है सो द की आइडिया इज दैट इफ CPU इज़ बिजी ऑल द टाइम द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द components of the system will be also high 100% but practically it is from 40% to 90% kadhi bhi 100% utilization nahi hundi it's between 40% to 90% so this is CPU's utilization if CPU busy all the time throughput kya hundi hai kinna agle ne kam kita hai odi output throughput hundi hai it refers to the amount of work completed in a unit time यूनिट टाइम सपोज कर लो तुसी कि एक सैकेंड ठीक है तो मिली सैकेंड के काम होंगे हैं बट सो एक सैकेंड कि काम किया है वो क्या होगी थ्रोपुट होगी इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम मीनस उन्हें एक सैकेंड 100 प्रोसैस कंप्लीट कर लिया दैट इज थ्रोपुट होगी सो टर्न अराउंड टाइम क्या है इट मे बी डिफाइंड एज इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसैस टू द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम वह होंगे कि प्रोसैस कदों स्टार्ट हुई है तो कदों कंप्लीट हुई है सपोज करो एक प्रोसैस पहले चल रही है
प्रोसैस 5 ते स्टार्ट हुई है, 4 सैकेंड दे प्रोसैस है, उन्होंने 4 सैकेंड लगने ते स्टार्ट होने लई ते 5 ते वो स्टार्ट हुई है और ख़त्म कदों हुई है 9 ते वो ख़त्म हुई है क्योंकि 4 सैकेंड के लिए चलेगी तो 5 और किन्ना हो गया 9, 5 ते शुरू हुई है ते 9 ते ख़त्म हुई है। ठीक है जी, सो ए क्या हो गया वह टर्न अराउंड टाइम, इट मे बी डिफाइंड एज द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसैस, जो प्रोसैस सबमिट होगी, सबमिशन ऑफ अ प्रोसैस टू द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन, सबमिशन तो लैके कंप्लीशन तक का जिन्ना टाइम है दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। उस तो बाद वेटिंग टाइम नाम तो पता चलता है कि किसी प्रोसैस में किन्ना वेट करना पाया है। हूँ अगर ये गल करिए इस प्रोसैस की, तो सपोज करो इतने सानू नहीं पता इस तो पहले किनिया प्रोसैस चल रही हैं, 0 तो शुरू करके 5, ठीक है 5 तो ए वाली प्रोसैस चली है, इनू तुम P3 ही लगा लो कि P3 चली है 5 तो और 9 तक चली है, तो 0 to 5 किन्ना वेट करना पे 0 to 5 तक यद वेटिंग टाइम होया। ए कोई मतलब नहीं कि एक प्रोसैस चली है पहले 2 चली है 3 चली है, इतों लैके स्टार्टिंग तो लैके इतने तक किन्ना टाइम है यदा वेटिंग टाइम है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सैवरल जॉब्स रिजाइड एट दिस वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस प्रोसेसिंग टाइम। इट इज डिफाइंड एज इन टाइम शेयरिंग सिस्टम, इट मे बी डिफाइंड एज इंटरवल फ्रॉम द टाइम द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ कमांड लाइन ऑफ अ प्रोग्राम और टू बी ट्रांसमिटेड, यदि कोई इजी सॉरी दिस इज वेटिंग टाइम आई एम रीडिंग सब बुक नहीं दिख रही है। वेटिंग टाइम क्या है, द रेस्ट ऑफ द जॉब वेट फॉर द CPU, द वेटिंग टाइम मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्न अराउंड टाइम लेस दैन द एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज़ द वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंसिडर्ड इन टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन रियल टाइम सिस्टम इट मे बी डिफाइंड एज इंटरवल इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ इंटरनल और एक्सटरनल इवेंट इज सिग्नल्ड टू द टाइम, जो किसी प्रोसैस में स्टार्ट होने के लिए कोई सिग्नल मिलता है, जो मिलता है वह रिस्पोंस टाइम हो गया कि इस टाइम यह प्रोसैस चलेगी। उस तो बाद दो तरह के पहले एलगोरिथम है, स्केड्यूलिंग एलगोरिथम इन बैच, फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग, आई थिंक बस कर देने मैं मंडे करवाऊंगी, वेरी इजी टॉपिक्स हैं बट फिलहाल तुम यही इन्हें ही कंप्लीट करो, अपने नोट्स रेडी करो।